Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. जैसे कि अगर इंडियंस की बात की जाए तो उनका जो कल्चर है, उनकी जो ड्रेसिंग है, हर एक चीज रशिया में इस वक्त बड़े जबरदस्त तरीके से प्रमोट की जा रही है उनके स्कूल्स के अंदर। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम लोक उजागर, ज्ञान गुण अलियत बजरंगी। इंडियन कल्चर पढ़ाया लिखाया सिखाया बताया जाता है, दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा उसको वैल्यू किया जाता है। बिल्कुल, आप देखें 6 माह बाद, साल बाद वो चौथी इकोनॉमी होगी दुनिया की। ठीक है, कैसे उन्होंने किया ये सब? यकीन करें, मैं खुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं है। जो हालात हैं, यहाँ तक सोचते हैं कि क्या अगर ये मुल्क अलग ना होता तो हम ज्यादा बेहतर हालात में ना होते। थोड़ा सा टाइम रह गया पाकिस्तान को खत्म होने में, जो इनके हालात है ना, लेकिन इंडिया हम पे राज कर रहा है, आज से नहीं कर रहा, जब से मुशर्रफ गया उस दिन से कर। नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो इंडिया है वो मेजर आईफोन मेकर बन रहा है। जय हिंद दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज जन्माष्टमी का दिन है और पूरी भारत में जो इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों एक और देश बल्कि लंदन में इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहां पर रहने वाले लोग जो है वो दही हंडी का आयोजन कर रहे हैं और इसी के साथ जन्माष्टमी को मना रहे हैं। लंदन के जो अंग्रेज लोग हैं वह हिंदू धर्म को काफी ज्यादा मानते हैं, इसी वजह से लंदन में काफी धूमधाम मची हुई है जन्माष्टमी को लेकर, और वहां पे काफी ज्यादा बड़े लेवल पर इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। और इससे पहले भी कई धर्मों के लोग जो है इसको सेलिब्रेट करते भी रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों पाकिस्तान ये देखकर काफी ज्यादा हैरान है। दोस्तों आज की हमारी पूरी वीडियो भी इसी टॉपिक पे होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अब बिना किसी देर के वीडियो को तो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नेशनल लेवल पे क्या इमेज जा रहा है पाकिस्तान का या पाकिस्तानियों का, आपको पता चल रहा है मीडिया पे क्या जा रहा है? आपको नजर नहीं आ रहा है सारे मुल्क में क्या हो रहा है? लोग उठाए जा रहे हैं, लोग बिल नहीं जमा करवा सकते, गुर्बत ज्यादा है, ठीक है, महंगाई ज्यादा हो गई है। अच्छा, इसके ऊपर बात करेंगे, आपसे पूछेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है अगर हम 1947 की बात करें, 1947 में पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ, हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया, इंडिया ने अपना सफ़र स्टार्ट किया, आज इंडिया या इंडियन ओरिजिन जो हैं पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। अभी अभी खबर आई है कि सिंगापुर के प्रेजिडेंट जो हैं वो इंडियन ओरिजिन बने हैं, कभी खबर आती है यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन, कभी और अभी रिसेंट ये बात चल रही है कि यूएस के प्रेसिडेंटशिप के लिए भी बड़े जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो भी इंडियन ओरिजिन है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, वो लोग कैसे डेवलपमेंट की तरफ चले गए? अरे भाई, हमारे मुल्क में तो प्रेसिडेंट है ही नहीं। प्रेसिडेंट तो होता, कोई इलेक्शन होते तो प्रेसिडेंट आता ना, प्रेसिडेंट किधर है? प्रेसिडेंट तो खा के भाग गया यहां से, ठीक हो गया, मुल्क को लूट के तो चले गए, अपने कर्जे माफ करवाए चले गए मुल्क से, ठीक है। अब क्या हो सकता है इसका, देखें आपके सामने ही है। नहीं, इसका हल कोई ना कोई तो हल हो सकता है, ऐसे तो नहीं हम जैसे तो इसका ये इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं, ठीक है। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैंने इनसे सवाल किया कि 1947 में हमने सफर स्टार्ट किया, इंडिया ने भी सफर स्टार्ट किया, आज इंडियन ओरिजिन मुख्तलिफ कंट्रीज में सीईओ। सबसे पहली बात ये है भाई कि इंडिया एक जमहूरी कंट्री, डेमोक्रेसी है उधर, और वो उन्होंने टूटने नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा ये डेमोक्रेसी नहीं है, बस कुछ अल्फाज जो है आप भी समझते हैं, नहीं बोलने चाह रहे हम, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। हमारे मुल्क में आप डेमोक्रेसी देखनी है तो कंटोनमेंट में जाएं, डेमोक्रेसी देखनी है तो ये यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी आप, ठीक हो गया। हाँ। अच्छा ये बता दें, एजुकेशन का आपको नहीं लगता कि कोई फैक्टर है? देखें ऐसे ही तो नहीं, हमने भी जब हमने 1947 में शायद ये कहा जाता था, इवन 60s तक ये कहा जाता था पाकिस्तान तो एशियन टाइगर है, जो हमने सुना है तब हम थे तो नहीं, लेकिन हमने सुना कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे, तो तब वो इंडिया वालों ने एशियन टाइगर जो पाकिस्तान को बनाना था, वो एशियन टाइगर अब मुल्क से बाहर है। अच्छा, जिन्होंने बनाना था एशियन टाइगर वो बने हैं, पावरफुल बन गए ना, सही वो एशियन टाइगर बन गए, पाकिस्तानी एशियन टाइगर, ये सारे कुत्ते बिल्ले हो गए, भेड़ बकरियां हो गई, एशियन टाइगर भाग गए इधर से, ठीक हो गया, अपना सिस्टम लेके भाग गए हैं। आप ये देखें किसी मुल्क का कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई वजीर ऐसा है आए हुकूमत करे और बाहर चला जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही। अच्छा, दुनिया हमारे पे ट्रस्ट कर रही है, पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। उसकी क्या वजह है? ही नहीं। उसकी क्या वजह है आपके ख्याल? करप्शन, करप्शन है सर, मेन करप्शन, ठीक हो गया। पाकिस्तान आर्मी खत्म हो जाएगी जिस दिन उसने भारत से दुश्मनी बंद कर दी,
वो जो किताब है ना जो पढ़ाई जाती है आपके काकुल में, काकुल अकेडमी है ना जहाँ वो ट्रेनिंग होती है सारे आर्मी वालों की, उसमें वो किताब पढ़ाई जाती है कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। मुझे नहीं पता आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैंने पूरी पढ़ी। नहीं नहीं पढ़ी। तो उसको पढ़े मैंने आपकी किताब पढ़ी है, आपकी किताब और बाकी इंडियंस की बुक्स पढ़ना शुरू की हुई है, तो बस मैं वो भी सर चेक कर लूंगी बिल्कुल। नहीं उसको आप जरूर पढ़े क्योंकि उसके हिसाब से तो ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, उनको तो पूरे भारत पर कब्जा करना है क्योंकि उसमें तो वो जो कुरान वाली जो अप्रेस्ड वाली थ्योरी है वो उसमें उन्होंने लागू कर रखी है कि भाई जो कोई भी अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा वो ऑपरेसर है। और पाकिस्तान इस वजह से, चूंकि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानता है तो इसलिए वो ऑपरेसर है, इसलिए ऑपरेसर से जंग करना जो है वो उनका हक भी है और उनकी ड्यूटी भी है। तो इसलिए कैथरीन फेयर ने बोला था, आपने उनकी जो किताब पढ़ी होगी शायद, जो वेज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर भारत जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान को प्लेट में सजा के दे दे तो भी पाकिस्तान जो है वो भारत से दुश्मनी नहीं बंद करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे जन्माष्टमी को लंदन में काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहां पे काफी ज्यादा जो फॉरेनर लोग हैं वो इकट्ठे होकर जन्माष्टमी को मना रहे हैं और कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ वे हरे कृष्णा हरे रामा का जाप भी कर रहे हैं। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज में खासकर ज्यादातर हिंदुइज्म जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और वह काफी अपने मन से कृष्ण भगवान को मानते हैं। दोस्तों ये देख के पाकिस्तानी काफी ज्यादा हैरान है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय।